मॉर्निंग एवरीवन। आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, सो आज आस पास एक छोटी सी ट्रिप, बिल्कुल मिनीचर ट्रिप करने का मूड है। सो अब निकल गया हूँ घर से, क्योंकि बाइक नहीं निकाल सकता था आज। सो आज अपन अपनी एक्सयूवी पे जाएंगे। आज एक्सयूवी से आस पास एक छोटी सी किसी अच्छी सी लोकेशन पे थोड़ी देर चलेंगे, थोड़ा बारिश का मज़ा लेंगे, बारिश का मज़ा लेकर के फिर वापस आएंगे। और आज जो शाम को एक बहुत ही यूनिक सा सरप्राइज देने वाला हूँ आप लोगों को, सो आज एक यूनिक सी अनबॉक्सिंग करूँगा इवनिंग में घर पहुँच करके, सारे काम वाम से सब चीज़ों से फ्री हो करके। एक पार्सल आया हुआ था बेनेली इंडिया का, जो कि मेरा फर्स्ट प्राइज था थ्रू आउट द इंडिया। मेरे को बेनेली ने फर्स्ट प्राइज दिया है इन माय बेनेली कॉन्टेस्ट, तो उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। और उसके साथ में ही एक प्रोडक्ट मैं थोड़े दिन पहले परचेज करके लाया था, उसकी भी अनबॉक्सिंग करूँगा। सो अब आप लोगों को नियर बाय जो भी जिस भी लोकेशन पे जाऊँगा वो दिखाता हूँ। और अभी बहुत बुरी बारिश हो रखी है, दिख ही रहा होगा आप लोगों को। तो बारिश कहते हैं और फिर निकलते हैं एक अच्छी सी लोकेशन पे, और शाम को आज होने वाली है अनबॉक्सिंग। सो पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, नहीं तो आप जो मेरी अनबॉक्सिंग है वो रह जाएगी। सो इस वजह से पूरा वीडियो देखो और मैं आप लोगों से अब मिलूँगा आगे जिस लोकेशन पे जा रहा हूँ उस लोकेशन पे, वो लोकेशन दिखाता हूँ आपको। इधर से ले लो बात, तो ये आगे से घुमा लेना, मतलब सर्किल से ले लेना आपको। इधर से ले लो यार, और क्या ज्यादा बेस्ट रहेगा, इधर से लेने में सही रहेगा। यार तुम ज्यादा माल खाने के लग रहे हो मेरे तो। एक में उस समोसे निकाल लो ना, ना वो पकोड़े यहाँ की तो दिखा क्या रहे हो। सब आ रहा हूँ चालू करो भैया आप लोग। सो एक अच्छी सी डेस्टिनेशन इस जगह पे रुका हूँ, अब लंच करेंगे, लंच करके फिर वापस अपने अपने कामों पर निकलेंगे। सो आज छोटा सा मौसम को देखते हैं ट्रिप प्लान करी थी नारगढ़ के लिए, सब यहाँ पे फिर निकलूँगा। और बीच में पिटी से ही समोसे कचोरी लिए थे जो लक्ष्मी नमकीन भंडार के थे, वो एक तो फेमस हैं चांदी की टकसाल के पास में जो काले हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ से
लिया था लक्ष्मी भंडार से। और ये पीछे देखो, बिल्कुल जंगल जैसा माहौल है। अच्छी सी लोकेशन है, यहाँ रुके हैं। अब यहाँ से लंच करके आगे निकलेंगे, आगे जा कर के फिर अपने अपने कामों पे पहुँचेंगे। सो आज छोटी सी ट्रिप थी, और शाम को मैं आप लोगों से मिलूँगा अनबॉक्सिंग के टाइम। जो गिफ्ट आया हुआ था वैनिल की तरफ से वो, और एक सरप्राइज़ और है उन दोनों के लिए। सब लंच करके यहाँ से निकल, अब इनके साथ बैठ के लंच करके फिर आगे निकलता हूँ। सो भी यहाँ एक अच्छी सी डेस्टिनेशन पे आया था। इस पॉइंट से मॉर्निंग का जो सनराइज है वो देखने में बहुत मज़ा आता है। तरफ इस तरह का व्यू देखने को मिल जाता है, सारी चीज़ें ऐसे मिल जाती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की ये है कि तो जलमहल है, ये पूरा क्लियर विजिबल होता है। ये जलमहल यहाँ से पूरा विजिबल होता है। और यहाँ पर नहीं है, पूरा ऐसा ही थर वाला शॉप। यहाँ से गाड़ी के पास निकल रहा हूँ क्योंकि अब वापस चलेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। सब यहाँ से निकल रहा हूँ, और यहाँ पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी वाला व्यू है। पूरे पे पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में घूमना पड़ रहा है आज। तो ये व्यू था नारगढ़ का। अच्छे से लंच कर लिया और अच्छे से हल्का फुल्का नाश्ता भी हो गया था, कचौड़ी जो बहुत ही टेस्टी थी। सो अब निकलता हूँ यहाँ से आगे, अब आप लोगों से मिलूँगा गाड़ी में। सब निकलता हूँ, नारगढ़ से निकल रहा हूँ। वेलकम एवरीवन टू माय न्यू ब्लॉग। कॉन्टेस्ट था, उस कॉन्टेस्ट में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। सो आज इसके अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। सो जो कॉन्टेस्ट था वो था वैनली, माय वैनली कॉन्टेस्ट था। जो मेरी एक पिक्चर थी वो वैनली इंडिया को पसंद आई, सो उन्होंने उसको फर्स्ट प्राइज दिया। सो आज अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर
दो तीन हफ्तों से ये बॉक्स रखा हुआ था, मैंने अनबॉक्सिंग नहीं करी, अनबॉक्सिंग सोचा था कि आप लोगों के सामने ही करूँ। सो ये फैमिली की जैकेट है, राइडिंग जैकेट है, पूरा आर्मर वगैरह, जो बेसिकली आप लोगों ने मेरे कई वीडियोस में दिखा होगा। सेम जैकेट मैं भी खुद भी मैंने भी उदयपुर से परचेज करके लाया था, ये सेम ही जैकेट मुझे वापस दे दी गई है। सो अब मेरे पास बेंटली की दो जैकेट हो गई हैं, दो राइडिंग जैकेट हो गई है। बेंटली की राइडिंग जैकेट है, तो बेंटली की राइडिंग जैकेट है, नीचे भी इस पे बेंटली की राइडिंग रखी है। अल्लाह ये फिर से बेंटली की ब्रांडिंग हो रखी है, और साथ साथ में और क्या है, इसको भी रख ही देता हूँ, मुझे बार बार आवाज़ करेगा। और वो सो बेनली ने एक फोटो फ्रेम दिया है, फोटो फ्रेम बेनली इंडिया ने मेरे को दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन्स अंकित शर्मा ऑन विनिंग फर्स्ट प्राइज माइल बेनली कॉन्टेस्ट जून एडिशन 2022। सो ये फोटो फ्रेम दिया है बेनली इंडिया ने, थैंक यू बेनली। ऐसी कंपनी अगर हम बाइकर्स को ऐसे ही सपोर्ट करती हैं, सो हम लोगों को भी इंटरेस्ट आता है, हम लोग भी आगे आगे नई नई चीज़ें करते रहे। सो ऐसा ही अगर कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी अपने कस्टमर्स को, जो उनके राइडर्स हैं, जो राइडिंग कर रहे हैं, जो व्हीकल वो खरीद रहे हैं, उसका पर्पस वो अगर सॉल्व कर रहे हैं, सो ऐसा कुछ होता है और कंपनी ऐसा कुछ करती है अपने कस्टमर्स के लिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। सो मैं बहुत थैंकफुल हूँ बेनली इंडिया का। सो एक अच्छा सा फोटो फ्रेम और उसमें मेरी इमेज भी लगा दी, मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ। ये जो इमेज थी मेरी, इसको फर्स्ट प्राइज मिला है, ऑल ओवर इंडिया का ये कॉन्टेस्ट था। सो मेरे लिए भी एक अपने आप में एक बड़ी बात है कि मैंने एक प्राइज जीता, पहला प्राइज है ये मेरा जो बाइक राइडिंग और ऐसे इवेंट्स में मुझे कुछ मिला है। सो अब एक चीज़ और आप लोगों को अनबॉक्स करता हूँ, जो मैं लास्ट मंडे परचेज करके लाया था लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला। सो ये एक हेलमेट लेकर के आया था, फ्लाई ब्रांड का एक हेलमेट है, जो ऑब्वियसली अगर एडवेंचर ट्यूर है सो ये ऑफ रोडिंग हेलमेट ही होना है। सो ये फ्लाई ब्रांड का एक हेलमेट है। सो ये हेलमेट मुझे अच्छा लगा, इसका कलर मेरी बेनली से जो उसके गार्ड्स वगैरह हैं उससे मिलता जुलता है। सो मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा और हेलमेट भी अच्छा है, सेफ है, फ्लाई ब्रांड है, सो अच्छा है, थॉट सर्टिफाइड है, DOT सर्टिफाइड है। सो ये हेलमेट आप लोगों को कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये हेलमेट आप लोगों को कैसा लगा। सो आज का बहुत छोटा सा ही ब्लॉग है, क्योंकि आज बहुत दिनों से जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए थे, जो प्राइस पड़ा हुआ था बेनली इंडिया की तरफ से, एक तो ये मुझे अनबॉक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा था। सो आज फाइनली अनबॉक्स कर ही दिया इसको। सो ये फोटो फ्रेम है बेनली इंडिया की तरफ से, ये मैं मेरे रूम में अच्छे से मेरी जो कंप्यूटर टेबल है उस पर लगाऊंगा। अब प्राउड फील होता है खुद को भी कि यार मतलब इस तरह का कुछ मिलता है एक बाइकर को, उसके लिए एक प्राउड मोमेंट है। तो थैंक यू बेनली इंडिया फॉर दिस फोटो फ्रेम एंड फॉर दिस जैकेट। सो ये मेरे पास पहले से ही थी, लेकिन फिर भी एक और
कलेक्शन एंड हो गया मेरे पास, भी हाल फिलहाल 3 राइडिंग जैकेट्स हो गई हैं। एक तो जो मैं पहले रॉयल एनफील्ड चलाता था, तो मेरे पास आधी की लिमिटेड एडिशन जो जैकेट थी वो थी। मैंने ली TRK जब परचेज करने गया था, जब भी एक जैकेट खरीद के लाया था, और प्राइस में भी मुझे यही मिल गई। सो अच्छा है मैंने ली कि 2 जैकेट हो गई, तो कभी भी लंबे रूट पे गए राइडिंग वाइडिंग का है तो एक जैकेट अगर सिटी में पहन रहा हूँ तो एक स्पेयर में हो गई मेरे पास। तो लंबे रूट पे जाऊँगा तो ऑब्वियसली ये नई जैकेट पहन के जाऊँगा, कोई लंबा रूट करूँगा, लंबी ट्रैवलिंग होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सो धीरे धीरे मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ती जा रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और ऐसे नए नए वीडियोस आप लोगों को दिखाता रहूँ, नई नई चीज़ें लाता रहूँ, नई नई लोकेशनें दिखाता रहूँ। और मैं कैसा कर रहा हूँ कैसा नहीं कर रहा हूँ प्लीज़ कमेंट करके बताया करो, हाउस माय परफॉर्मेंस, और जो जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो काम का है, आप लोगों को देखने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन मुझे खुद को पता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो, सो आगे मैं और खुद को ही इम्प्रूव करता रहा, और आप लोगों को मेरे सारी वीडियो देखने में और भी ज़्यादा मजा आए। सो अब मिलता हूँ मैं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स JPL बाइकर अंकित।